स्वागत है आपका मैकेनिकल एजुकेशन फोरम में। आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लेमिस थ्योरम को समझेंगे और देखेंगे कि लेमिस थ्योरम है क्या। इस लॉ को समझने से पहले हम छोटा सा एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक्सपेरिमेंट कुछ नहीं है, ये इसे आप बचपन में करते होंगे। क्या करते होंगे, मान लीजिए कि एक पेड़ है ना, एक पेड़ था, ये एक पेड़ की एक डाली है ये, और एक दूसरे पेड़ की डाली है, या फिर एक ही डाली में दो जगह पर आपने एक रस्सी बांध दिया, एक रस्सी बांध दिया, और यहाँ पर आप झूला लगाकर बैठ गए। मान लीजिए यहाँ पर झूला लगाकर आप बैठ गए, हम ना बचपन में झूला झूलते थे, इसी तरह तो झूलते थे पेड़ पर झूला लगा करके, है ना, कोई बैठ गया बच्चा यहाँ पे, ऐसा ही झूला झूलते थे हम लोग। तो देखिए, अगर हम झूला झूल रहे हैं तो इसमें टेंशन आएगा, इस रस्सी में टेंशन आएगा, इस रस्सी में भी टेंशन आएगा, और जो यहाँ पर बैठा है उसका वेट भी होगा, यानी एक दो तीन, तीन फोर्स आ गए आपके, ठीक है, आ गए। अब देखिए, ये जो बच्चा बैठा है ना, या कोई भी बैठा है, वो आपका इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, अगर है ना, अभी शांत है, अभी कुछ कर नहीं रहा है, अभी उस झूला नहीं झूल रहा है, अभी आराम से बैठा हुआ है, उसमें कोई हरकत नहीं हो रही, कोई अनबैलेंस फोर्स अगर नहीं लग रहा है, यानी अभी वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, अभी जो झूला नहीं झूल रहा है। तो अब देखिए, लेमिस थ्योरम यहीं से आता है। लेमिस थ्योरम कहता है कि अगर तीन फोर्स लग रहा है ना, अगर वो कॉन्करेंट है, कॉन्करेंट मान लीजिए कि इनका लाइन ऑफ एक्शन एक ही पॉइंट पर आकर तो मिलेगा, इसी पॉइंट पर आकर तो मिलेगा, इनका तीन फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन, यानी कॉन्करेंट कॉन्करेंट है ये। तो लेमिस थ्योरम कहता है कि अगर तीन फोर्स है और तीनों फोर्स को प्लैनर कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम है ना, तो प्रत्येक जो फोर्स होगा आपके साइन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा साइन एंगल के, बाकी दो फोर्सेज के रिमेनिंग जो एंगल होगा ना उसी के प्रोपोर्शनल होगा, यही कहता है आपका लेमिस थ्योरम। देखिए, इसको समझने के लिए ना, इस लॉ को ड्राइव करने के लिए हम ट्रायंगल बनाते हैं। और मान लीजिए कि आपका ये F1 फोर्स है, ये आपका F2 फोर्स है, ये आपका मान लेते हैं F3 फोर्स है, और F2 और F3 के बीच का जो एंगल है वो थीटा है, थीटा 1 है मान लेते हैं। F2 और F1 के बीच का जो एंगल है वो थीटा 3 है, और F1 और F3 के बीच का एंगल है थीटा 2 है, ठीक है, मान लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, लेमिस थ्योरम को ड्राइव करने के लिए ट्रायंगल बनाएंगे। ट्रायंगल कैसे बनेगा, आपको क्या करना है, ये हमारा F1 है, F1 है, ये हमारा F2 है, ये हो गया आपका F2, ये है आपका F3, इसको सेम ऑर्डर में आपको अरेंज कर देना है। ये वाला अगर आपका F1 है, ये आपका F2 है, ये अगर आपका F3 है, तो ये वाला जो एंगल होगा ना, ये वाला जो एंगल होगा F1 और F3 वाला, ये वाला एंगल ले लेते हैं ना, ये वाला एंगल हो जाएगा, ये वाला नहीं, ये वाला एंगल सही है ना, यही वाला एंगल। इस F1 को आप आगे जब बढ़ाएंगे तो F1 और F3 के बीच का एंगल कितना है, F1 और F3 के बीच का एंगल आपका थीटा 2 है, तो ये वाला जो एंगल होगा ये वाला, ये थीटा 2 हो जाएगा, ठीक है। ये वाला F3 और F2 के बीच का जो एंगल है ना, आप क्या करेंगे, F3 को आगे बढ़ाएंगे, लाइन ऑफ एक्शन इसका F3 और F2 के बीच का एंगल थीटा 1 था, तो ये आपका थीटा 1 हो जाएगा, और ये वाला जो एंगल होगा ना, ये वाला एंगल F1 और F2 का ये थीटा 3 हो जाएगा। तो आपका ये ट्रायंगल है और ये आपका थीटा 2 है, तो ये वाला एंगल आपका 180 माइनस थीटा 2 होगा, ये वाला आपका 180 माइनस थीटा 1 होगा, ये आपका 180 माइनस थीटा 3 होगा, ठीक है। तो जो आपका साइन रूल होता है मैथमेटिक्स में, वो कहता है कि अगर आपका ये मान लेते हैं कि अगर ये ट्रायंगल का साइड है F3 अगर ट्रायंगल का साइड है मान लेते हैं, तो साइन ऑफ जो रूल होता है ना ट्रिगोनोमेट्री का, वो कहता है कि ये वाला जो एंगल होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है F3 आपका इसके साथ एंगल में है और इसके साथ एंगल में है, इन दोनों को छोड़कर इसके सामने वाला एंगल देखिए
180 बाय 3 इसके प्रोपोर्शनल होगा। F1 F3 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन 180 माइनस 3। ठीक उसी तरह F2 आपका जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा साइन 180 माइनस 2। ये साइन रूल कहता है मैथमेटिक्स का। F1 ठीक उसी तरह से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा साइन 180 माइनस 1 के। इससे आपने 9th में पढ़ा होगा। ये कहता है आपका साइन रूल मैथ का। तो जब आप त्रिकोण में जो आपका प्रोपोर्शनलिटी साइन है ना, इसको जब हटाएंगे तो आपके पास आएगा F3 upon sin 180 माइनस 3। F2 जो होगा आपका F2 upon sin 180 माइनस 2 इज इक्वल टू F1 sin 180 माइनस 1 होगा, और ये बराबर होगा के आपका जब प्रोपोर्शनलिटी आप हटाएंगे तो आपका के मिलता है, और के इन तीनों में एक ही बराबर होगा, इसलिए सब ये बराबर आ गए हैं। तो इसको आप हटा दीजिए, ऐसा कोई काम नहीं है, है ना, क्योंकि के को मैंने इक्वल करके इन सभी को बराबर कर दिया है। तो यही है आपका लेमिस थ्योरम, जो कहता है कि अगर 3 कोप्लैनर कॉन्करेंट फोर्स है अगर, और किसी पॉइंट पर लग रहे हैं ना, और वो पॉइंट आपका या फिर कोई बॉडी पर लग रहे हैं, और आपकी बॉडी इक्विलिब्रियम में है, तो पहला जो हर एक फोर्स होगा ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा साइन एंगल के। उसको ड्राइव करने के लिए इस स्टेटमेंट को हमने ट्रायंगल बनाया, सही फोर्सेज को हमने सेम ऑर्डर में रखा, एंगल हमने सबको बना दिया, और हमने इसको साइन रूल के अकॉर्डिंग हमने इसको अरेंज कर दिया। यह मैथमेटिक्स है, यही मैथमेटिक्स है। जो लेमिस थ्योरम का जो फाइनल जो इक्वेशन आता है, यही इक्वेशन है लेमिस थ्योरम का, ठीक है। लेमिस थ्योरम का इक्वेशन आपका यही है। इसमें आप जब 180 माइनस 3 को घटाएंगे, सॉरी साइन आपका 180 माइनस 3 जो होता है आपका साइन थीटा होता है, तो इसी को आप F3 upon sin 3 लिखेंगे। F2 upon sin 2 हो जाएगा ये, और F1 upon sin 1 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका आपका लेमिस थ्योरम ड्राइव हो गया है। कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है कि आपका जो लेमिस थ्योरम है ना, वो केवल और केवल कॉन्करेंट फोर्स के लिए एप्लीकेबल है, वो भी आपका कोप्लैनर में होना चाहिए, सेम प्लेन में होना चाहिए। नॉन कोप्लैनर के लिए एप्लीकेबल नहीं है, नॉन कॉन्करेंट के लिए नहीं है, जो आपका पैरेलल होता है फोर्स सिस्टम उसके लिए भी नहीं है, कोलिनियर फोर्स सिस्टम के लिए भी ये नहीं है। कोलिनियर में भी आप कहेंगे कि अपने तो कॉन्करेंट कहाँ है, कोलिनियर में एक ही लाइन में होते हैं तो एक पॉइंट पर तो मिल ही गए हैं, कॉन्करेंट हो ही गया, नहीं। ये नॉन जो आप कोलिनियर होते हैं उसके लिए एप्लीकेबल नहीं है, ये केवल और केवल कॉन्करेंट होना चाहिए और कोप्लैनर में होना चाहिए, ठीक है ना। और एक और बात, इसको आप ना जब ड्राइव करते हैं तो साइन ट्रिगोनोमेट्री के साइन रूल का यूज करते हैं आप, इसलिए अगर ऑब्जेक्टिव में आता है कॉस या फिर टेन या फिर कुछ भी, तो आपको स्टिक नहीं करना है, केवल साइन जो आपका एंगल होता है साइन एंगल उसका यूज करके आप, साइन रूल का यूज करके आप इसको ड्राइव करते हैं, ठीक है ना। और कुछ बातें हैं जानने के लिए इसके बारे में, और कुछ नहीं है, ठीक है। ये केवल 3 फोर्स के लिए ही एप्लीकेबल है, इतनी बात क्लियर हो गई। तो कुछ भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और आपको एक और बात बता दूं, जब ये 3 फोर्सेज लगेंगे तो आपकी बॉडी इक्विलिब्रियम में होगी ही होगी, तभी ये आगे का काम होगा। अगर इक्विलिब्रियम में आपकी बॉडी नहीं होती है, आगे का कुछ भी काम पॉसिबल नहीं है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।